21 एवेन्यू 24 गोटा दिन साना रोका खबर आते सेटेर ना गोपाल किस्कु तेजा खबर तला खन मुनुत खबर बन्ना गुप्ता डायवर्टन मित तिरले होपोना होड़मो साव खिल्डु इने जा दोस कोटरे सेटेर ना केस रांची एनसीबी टीम सेट खन उको खबर नाम कते साक्षी रे मिल उल तेला देयाकन 407 ट्रक खन एआई क्विंटल गांजा सा फोन होड़ को साबेना आर मारांगिज महिला आयोग अध्यक्ष कल्याणी सरना मेन जे मदर ट्रेसा वेलफेयर ट्रस्ट इन संचालक जुदीपांग को कहिया कर खान पुलिस ठेन को हिजुमा पनोतनी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ताई प्राइवेट डाइवर उनी धातकिडी ने मिटी एससी कुड़िया होड़मो साव खिल्डु इने बापला कथार मेन काते बापला बांग बापला आर इनतम आजा होड़मो साव नाहाचार आर आजा होड़मो खिल्डु इने रेया मिटी केस तेहें कोर्ट रे ओल तोलेना आर नवा कथा तेहें मिट्टी कुड़ी पास्टा रेंज वकील शिवशंकर प्रसाद नवा लई सदर के जे नवा कथा दो बार सेरमा खन चलाग कान तहें एहब रेदो बाप उनी तिरले साव जबरदस्ती आजा होड़मो साव खिल्डु इनेज के इनतम बापला इन कथा मेन काते आजा होड़मो साव दिनाम गे लेताड़ गे खिल्डु इनेज के वकील नवा हई लई सदर के जे मंत्री जहां रांची रे सरकारी ओड़ा मेना ओंडे हो अड़ी धाव इदी काते आजा होड़मो साव खिल्डु इनेज का वकीला मेन चे नवा केस लगी दो गेल शर्मा खन ढेर हो जिहोले खटाव दड़िया कि वादपत्र में लिखे हुए सभी बातों का उल्लेख किया जाना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि बलात्कार किया, उसके बाद जैसा कि पीड़िता ने बताया, फिर उसके बच्चों को जो नाबालिग बच्चियां हैं उसको नुकसान पहुंचा देने का और अन्य प्रकार की धमकी देते हुए यौन शोषण किया, बलात्कार किया और बाद में फिर शादी कर लेने का आश्वासन दिया। और इतना ही नहीं, वो पीड़िता के तकरीबन 7 लाख रुपए का गबन भी किया है। पीड़िता पूर्व से शादीशुदा थी और जब इसका बलात्कार और यौन शोषण किया गया उस वक्त इसका मामला, पीड़िता का मामला उसके पति के साथ न्यायालय में लंबित था। पीड़िता अपने बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ जो उस वक्त 4-6 वर्ष की रही होंगी शायद, अकेले रहती थी और इसी मौका और परिस्थिति का नाजायज फायदा उठाकर उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया। इस पर अभी कमेंट करना उचित नहीं होगा क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन मेरी जानकारी जहां तक है, जैसा कि पीड़िता के द्वारा बताया गया है, न्यायालय में आने से पूर्व उसके द्वारा सभी प्रकार से, यहां तक कि अभियुक्त से भी संपर्क करके बारंबार विवाह कर लेने का और जैसा कि उसने वादा किया था, चूंकि लॉकडाउन की वजह से जीने मरने वाली, भूखों मरने वाली स्थिति थी, जो पैसा लिया गया था उसे वापस करने का अनुरोध किया। इस दौरान पीड़िता के द्वारा अनेकों बार कॉल भी किए गए, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं पाकर पीड़िता को अंत में न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है, जो अभी के सिचुएशन में जो परिवर्तित सजा का प्रावधान है उसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। रांची खन को सेटर ले नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टीम सेट खन तेन जुगली पार गेट सुर रे मिट्टी 407 गेडी रे 7 क्विंटल गांजा को छापा मारी कते को साफ किया और नो छापा मारी रे ट्रक सा पुन होड़ को साफ तरह कट को बड़ा जोग माबोन जे एनसीबी टीम रांची रिन दो नवा खबर को नाम उकु खबर मिट्टी नवा को नाम ले आ जे उड़ीसा खन बागबेड़ाते अड़ी गान गांजा हिजु कना मेनते आ ओना दीते छापा मारी और चेकिंग अभियान को एहब किया। उन ओक्तो जुगलीपार गेट सुर रे मिट्टी 407 रे अड़ी गान गड़ी तलारे 407 गड़ी मिट्टी को तिंगू हो चुके ओना गड़ी रे 7 क्विंटल को ढेर गांजा तहें लेना नवा गांजा हो नौका को दोहो का जे चितान रे दो उल तहें लेना ओना लातार रे गांजा को तोपा लिया। मेनखान नित पुलिस नवा कुरुमुटु को छुटेव कना जे नवा गांजा ओका खन ओका लगी हिजुग कान तहें आर ओकोय बागबेड़ा रे दोहोया मेनते ओना खोज तलाश के पुलिस तो कुरुमुटु नितो धरी को छुटेव कना। माड़ांगी महिला आयोग रेनी अध्यक्ष कल्याणी सरना मेन जुदी मदर ट्रेसा वेलफेयर ट्रस्ट रेन संचालक हरपाल सिंह थापर और आज पुष्पारानी तिरकी जुदी वकीन दो सका एंखन चा के नुकू बड़ाई कना उनकिन मा हुनंग पुलिस प्रशासन ठेन सोजे सेटर कते अकिन किन सरेंडर हो दरकार। खबर जामा कना जे जहां थी खोन मदर ट्रेसा वेलफेयर ट्रस्ट रेन संचालक हरपाल सिंह थापर और आज बहु पुष्पारानी तिरकी ठेन जोखन जे कई कुड़ी गिद्रहा होड़मो साव खिल्डु एने चे नाहाचार रेया कथा पसनावना उन खोन जिला प्रशासन और अवड़ी होड़ हो उनकिन साब लगी अड़ी तेट गे को कथाया उन खोन गे
उनकिन चेतान रे जहां तिन लोगन ऐन रे कमी हुई आ ओना कमी हुई लगित कथा को दो होए मेन खान वहां को रोड तरह आज अडी लोगन सब कते ओना जहां वेलफेयर ट्रस्ट में ना ओना हो बेसलिका नेल तोलास हुई आ ना बड़ा जंग मा बन जे बारे कुड़ी गिद्र सा उनकिन हो ट्रस्ट इन संचालक राज बहुत हैं अकिन अहोर मसा खिल्डु इने रे कथा सदर कना आर पुलिस ठेन नोआ कथा केस कना आर साते अकिन सुमुद वांगा ओंडरिन आर हो पेपुन होड नितुम हो ओना केस रे मेना ओना दिते पुलिस हो अडी कुरुमुटु छुटो कना आ नोयनेल तोलासे और मैं अपनी तरफ से प्रशासन से भी आग्रह करना चाहती हूं कि मदर ट्रेसा वेलफेयर ट्रस्ट जो चल रहा था और चल रहा है अभी आपके सामने ऐसा कांड आया है सुनने को, तो आप इसके पिछले का भी जो एनजीओ का फंड आया कहाँ गया क्या हुआ इसका लेखा जोखा भी अगर लोग सिलेंडर बोलते हैं या आपके तरफ से उसको आप खोज के निकालते हैं तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर इतना फंड आता था तो जाता कहाँ था और किस विधि आप लोग इस फंड का यूज किए, किसी को न्याय मिला कि नहीं मिला, इसकी भी लेखा जोखा प्रशासन से मैं आग्रह करती हूँ कि इसका भी हिसाब किताब होना चाहिए। आर नोते पौनत रेनी माड़ांगी महिला आयोग रेनी अध्यक्ष कल्याणी सारे नोआ कथा होय लई सदर या जुदी हरपाल सिंह थापर आर पुष्पारानी तिर्की ठेन दोष गे बनू अचे बकिन दोष का एखन चा खेन उकु बड़ाई कना उनकिन महनुंग दरकार जे पुलिस समांग द सेटर कते अकिन तगे सरेंडर हो अकिन आजा मेन अबिन जहार गे बिन उकु अकन पुलिस मिद दिन अबिन दो अंजाम ओडक बिन गया है साते नोआ होय लई तरह के आ जे नितो धरि नोआ ट्रस्ट खन तिनो कुड़ी गिद्र को पढ़ा था तिनो को ओडक केना तिनो को पास ना तिनो फंड हिजु ताहन आर ओना रे जहां तिनो गे नोडे गिद्र को हेज अकन चे नोडे खन को चलाओ कन ओना रे आहो लेखा जोखा आल आबो को समांग रे समांग माए मा कथा नुया अरदास जे जिला प्रशासन नोआ को बेसलका नेल मा आ बेसलका नेल तोलास कते कमी हो माणंग से दे लहाय मा मदर ट्रेसा वेलफेयर ट्रस्ट हम भी बहुत सुन रहे हैं, पेपर के माध्यम भी पढ़े, मीडिया में भी आ रहा है और ये मामला अभी इतना हाईलाइट हो गया है कि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो जो लड़की बयान दी है, तो अगर वो बयान दी है तो इस पर प्रशासन भी पूरा एक्टिव हो गया है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हरपाल सिंह और पुष्पा तिर्की अगर निर्दोष हैं तो फिर छिपे क्यों हैं? उनको छिपना नहीं चाहिए। अगर निर्दोष है तो मैं यही राय दूंगी कि आप आकर और पुलिस को सिलेंडर करिए, प्रशासन के सामने अपनी बात को रखिए। अगर आप कुछ किए ही नहीं है तो आपको डर काहे का, और अगर आप किए हैं तो वो भी बात को रख दीजिए। अगर अपने अपने तरफ से आप सिलेंडर करिएगा तो हो सकता है आपकी सजा भी कम हो जाएगी, और इस तरीका से अगर आप फरारी में हैं तो प्रशासन तो आपको कहीं भी रहिएगा वो खोज के निकाल ही लेगी। हम बेहतर होगा, हम आपको यही राय देते हैं कि आप कहीं भी किसी भी कोना में छिपिएगा, प्रशासन पैनी नजर आपके ऊपर रखी है, आप बचिएगा नहीं। और मैं एक राय देना चाहती हूँ कि अगर आप निर्दोष हैं तो सीधे आप प्रशासन के सामने पहले आप आ जाइए। और मैं ये भी कहूँगी कि ये जो आपका जो वेलफेयर ट्रस्ट है और आप उसके सर्वे सर्वा हेड हैं, तो इसके पहले भी क्या हुआ, कितनी लड़की लोग कैसे पढ़ी, कैसे निकली, कैसे पाले और किस तरह से आप उन लोग को निकाले, अब इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इसके पहले आप किस तरीका से ट्रस्ट चलाए थे। यही कहना चाहती हूँ और मैं बार बार उनको बताना चाहती हूँ, अगर मेरे माध्यम से अगर वो कहीं भी सुन रहे हैं तो सीधे हुआ पाके आप प्रशासन के सामने पहले सिलेंडर बोलिए। अगर आप निर्दोष हैं तो, और अगर दोषी हैं तो प्रशासन आपको कहीं नहीं छोड़ेगी। अड़िगान बहुकुड़ी तेहन बाड़े दारे बुटर को बोंगा के ओना दो बाट सवित्र पूजा मेंते को लैया नोआ बोंगा रे नोआ ठौका जे निजेरा निजे होड लगी बॉयस ताय ढेर दिन ताहन मा ओना मेंते नोआ दो को बोंगा बुरुया इन्या दिन रे अड़िगान बहुकुड़ी रंगे ते को ताहना आर बाड़े दारे बूटे रे सेन कते को बोंगाया जहाँ तीन गे अइन ताको मेना ओना अइन पूरव कते बोंगा दो को सत किया
लया को नवा जहां उपसर बोंगा में नवा हो करवा चौथ लेखा के ताहेना तेहेना दिन जहां तिना के बहु कुड़ी में ना कोआ बाड़े बूटे रे सेन कते को बोंगाया आर निजेर होड़ा अड़ी गान अड़ी झेल अड़ी ढेर बॉयस हुई मेनते को बोंगा बुरुया लया को जे जेठ बोंगा रे अमावस्या रे वट सावित्री पूजा मेनते दो को बाड़ाया नवा बोंगा कते जहां तिना के बहु कुड़ी में ना कोआ उनको को उहेरा जे आले दो चिरोदिन आले रिन होड़ सला गेले ताहेना लोगों बाको गज बगिया लिया ओनादिते तेहन साक्षी बिष्टुपुर सुंदरनगर पोटका सावते अडिगान जायगा रे बट बीच रिया पूजा बट सावित्री पूजा मेंते को हुई किया नोते पोटका ब्लॉक रिया जुड़ी पंचायत रे मेना प्रेमनगर रे हों तेहन बट सावित्री पूजा अड़ी धूमधाम ते चे अड़ी केटे रसक सेकेज हेकेज सेकेज ते हुई सतेना मेनखान जहां तिना के बहु कुड़ी को ताहल ना बाड़े बूटे में बाको सेन लेना मेनखान बाड़े रे बाड़े दारे रे डर अव कते गमला रे दहो कते के को बोंगा को हुई सत किया आ नोआ ओक्तो रे संध्या मिश्रा ओंडेनी संध्या मिश्रा नोआ ले सदर किया जे जहां तिना के बहु कुड़ी में ना को तेन सती सवित्री कहनी को अंजमा आर चिरोदिन जवान सला ताहन रे के को बोंगा बुरुया जो भी सुहागिन महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उनके लिए व्रत रखती हैं, क्योंकि आज के दिन सावित्री जो है सतवान को सावित्री सतवान को आज के दिन मतलब यमराज से लेकर आई थी और इसी के लिए आज हम लोग ये व्रत का त्यौहार मतलब मनाते हैं और अपने पति के लंबी उम्र के लिए ये बड़ गाँस के नीचे हम लोग इसको पूजते हैं। इसमें भगवान विष्णु और शिव का वास होता है, इसलिए हम लोग इसमें इसमें इसको पूजते हैं। अलावा में हम लोग इसमें आम लीची और गुलगुला बनता है, पेड़िया बनता है, लड्डू है, चना होता है, सारी चीज़ का भोग लगाकर भगवान को प्रसन्न करते हैं, पंखा करके उनको शीतलता प्रदान करते हैं और घर में भी पति के सामने जाकर उनको भी पंखा करते हैं और उनको भी प्रसाद खिलाकर पाँव छूकर उनको प्रणाम करते हैं। धातकीडी रे कम्युनिटी सेंटर रे बन्ना गुप्ता फैंस क्लब सेट खोनते हैं रेंगेज ओरेज होड़ को और जहां तिना दरकारन होड़ को जम जुआ को हटिनात को और नोआ ओक्तो रे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बोया गुड्डू गुप्ता ताहन लेना और उनिया सगुन तीते के सानाम जमा को हटिनेना और नोआ दो ओना खातिर हटिनेना जे नितो लॉकडाउन दीते अड़ी होड़ आकोआ नाला तुमल बांग को दाड़ेया खान दीते जम जु लगी अड़ी को एटकेटोणे कना जुदी नोआ किछुक गन आलेले हटिन दाड़ेया को एनखान ओना दीते उनको जहां के जम जु रे एटकेटोणे मेना ओना किछुक दिन लगी बाय होई हंतड़वा ओना दीते बन्ना गुप्ता फैंस क्लब रेन होड़ा नोआ रिका का को जे आले सेट खुन जहां तिना हुई दाड़ेया ताला ताला रे नोंकाले हटिन बड़ाया और रेंगेज होड़ जहां जे दिनाम के नाला तुमल कते आको लाज को सुलिया उनको जहां एटकेटोणे में ना ओना कच कच कते चबाई दिया। ये बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के सक्रिय सदस्य कुमार मुर्शीद और भी धतकड़ी में जो है उन लोगों ने देखा कि धतकड़ी क्षेत्र में ठेका मजदूर और कुछ ऑटो चालक जिनको राशन की समस्या हो रही थी उन लोगों ने आपस में स्वेच्छा से चंदा करके एक एक महीने का राशन 100-125 लोगों को प्रोवाइड किया। इसमें उद्देश्य नहीं रहता, ये एक भावना रहती है, सेवा भाव से किया गया, इसमें कोई उद्देश्य नहीं है। और भी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कहीं तन से मन से धन से जैसे भी हो रहा गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। गोटा दिन खबर आते आरोले सेटर जोहार।